नमस्कार। इस वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प और नए तरह के कैंसर के इलाज के बारे में बात करेंगे, जिन्हें कहते हैं पार्प इनहिबिटर्स, पार्प इनहिबिटर्स। तो पार्प इनहिबिटर्स जानने से पहले हम कैंसर के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं, जिससे ये पार्प इनहिबिटर्स समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए, कोई भी फैक्ट्री जैसे अगर है या कोई भी मकान है, अगर बड़ा मकान है तो काम करने के लिए काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन होता है जो कि रिस्पेक्टिव सबको कुछ ना कुछ काम एलोकेट होता है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग, है ना। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि जैसे घर में किसी को खाना बनाने का काम, किसी को सफाई का काम, ऐसे ही करके कुछ ना कुछ काम दिया जाता है ताकि पूरा का पूरा जो घर है, घर की व्यवस्था, फैक्ट्री की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। हमारी बॉडी भी ऐसी ही है। बॉडी कोशिकाओं यानी सेल से बनी है और सेल्स में भी जो हमारी सेल्स या कोशिकाएं होते हैं उनके अंदर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि जो सेल्स हैं और जो बॉडी है वो हमारे ठीक तरीके से काम करें। ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं इनको एंजाइम्स भी कहा जाता है। पार्प जो है एक इसी तरह का एंजाइम है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपका डीएनए ठीक रहे, क्योंकि अगर डीएनए में प्रॉब्लम होती है तो कैंसर उसी से होता है। पार्प एक शॉर्ट फॉर्म है, ये खुद में एक वर्ड नहीं है। इसका फुल फॉर्म है पॉली एडीपी राइबोस पॉलीमरेज। जी हाँ, थोड़ा टंग ट्विस्टर है, याद रखने में भी मुश्किल है। तो जो ये पार्प होता है यह सुनिश्चित करता है कि आपके डीएनए में प्रॉब्लम ना हो, ये इसको रिपेयर करता रहता है। इसके अलावा बॉडी में कुछ और पाथवेज भी होते हैं जो डीएनए को रिपेयर करते हैं। एक एचआरआर पाथवे होता है और एक दो और एमएसआई पाथवे, ऐसे करके कुछ पाथवेज होते हैं जो कि यह सुनिश्चित करते हैं कि वो मशीनरी जो होती है कि आपके डीएनए को ठीक रखे। तो तीन चार ऐसे तरीके होते हैं, मशीनरीज हैं, जो कि डीएनए को ठीक रखने के लिए जिम्मेदार हैं। तो क्या सोच के साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम अगर पार्प एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो एक्चुअली हम कैंसर जो है वह कम कर सकते हैं। सोचने में थोड़ा अलग तरह की चीज़ रहती है। अब देखिए, यहाँ पे एक दूसरा सब्जेक्ट जानना ज़रूरी है। हमारी बॉडी में कुछ कैंसर इस वजह से होते हैं कि अगर कुछ जीन्स में अबनॉर्मैलिटी हो जाए, तो उससे कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। और कई बार देखा गया है कि इन जीन्स की एबनॉर्मैलिटी से होने वाले जो कैंसर हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी भी ट्रांसमिट होते हैं, और इनको हम हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम्स बोलते हैं, अनुवांशिक कैंसर्स बोलते हैं। और एक ही फैमिली में कई मेंबर्स को ऐसे केस में कैंसर्स होता है, एक ही इंसान के अंदर कई कैंसर्स हो सकते हैं, यंग उम्र में कैंसर हो सकते हैं। तो हमें पता है कि वहाँ कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम चल रही है और जीन्स में ही कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ब्रका सिंड्रोम बोला जाता है, तो ब्रका भी एक तरह का जीन होता है। अगर उसमें खराबी हो जाए तो वो ब्रका जीन भी इस बात के लिए जिम्मेदार है कि आपका डीएनए ठीक कर काम करे। अगर ब्रका जीन में खराबी हो जाती है तो जो डीएनए रिपेयर है वह भी खराब हो जाता है, और अगर डीएनए रिपेयर नहीं होगा तो उसमें म्यूटेशंस, प्रॉब्लम्स, चेंजेस बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से कैंसर हो जाएगा। सो देखिए, अगर एक पाथवे खराब है, अगर डीएनए रिपेयर नहीं कर पा रहे तो उस सेल में कैंसर हो गया, तो वहां पे तो ये बात जरूरी हो जाती है कि जो दूसरी प्रणालियां हैं, जो दूसरे तरीके हैं कैंसर को रिपेयर करने के, वो ठीक रहे, है ना, ताकि डीएनए में कुछ ना कुछ रिपेयर तो होता रहे। क्योंकि अगर वो सारे मैकेनिज्म भी बंद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है डीएनए बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो कैंसर का इंसिडेंस तो बढ़े ना बढ़े, लेकिन वो कैंसर, वो जो सेल है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये देखा गया कि एक पाथवे तो आपका जैसे कि पार्प वाला पाथवे था, एक आपका ब्रका या एचआरआर वाले पाथवे था। तो एचआरआर या ब्रका पाथवे में प्रॉब्लम की वजह से कैंसर शुरू हो गया। तो फिर साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि अगर हम इन सेल्स में, अगर हम पार्प का पाथवे भी अगर हम बंद कर दें, इनहिबिट कर दें, तो इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें, तब जो कैंसर है बिल्कुल भी रिपेयर होना बंद हो जाता है। तो जो नॉर्मल कामकाज के लिए भी जो डीएनए चाहिए होता है वो भी नहीं होता, और इसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है, कैंसर सेल डेथ हो जाती है। इसी मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके पार्प इनहिबिटर्स लाए गए। तो ये बहुत ही नया तरह का इलाज है, और ये सारा का सारा साइंटिफिक प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल्स पे कहते हैं कॉन्सेप्ट। इसके पीछे बहुत अच्छी सोच है, कि नई तरीके की सोच है कि हाँ, जो बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पे चीज़ों की बात हो रही है, ये कीमोथेरेपी की दवाइयाँ नहीं है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से काम करती हैं। तो इसीलिए पहले तो हमें ये पता रहना चाहिए कि क्या कैंसर अनुवांशिक है कि नहीं। अगर अनुवांशिक नहीं भी है तो हम कुछ टेस्ट से ये पता कर सकते हैं कि इसमें ब्रका वाली प्रॉब्लम्स है कि नहीं। ब्रका जैसे ही कुछ और जीन्स भी होते हैं जो कि यह पता करने में हेल्प कर सकते हैं हमें कि पार्प वाली दवाइयाँ काम करेंगी कि नहीं। तो उसमें हम पार्प इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करते हैं।
पैनेपेटस में अभी तीन तरह की दवाइयां हैं, ओलापेरिब, रूकापेरिब और निरापेरिब। तो यह तीन तरह की दवाइयां जो हैं ये पार्प इनहिबिटर्स हैं। और पहले हम ये पता करते हैं कि इनमें जो जो कि मैंने आपको भी म्यूटेशंस या फिर जो चेंजेस बताए, ब्रका म्यूटेशंस, एचआरआर पाथवे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर वो प्रॉब्लम पहले तो हम पता करते हैं। तो इसके लिए पहले हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट दो तरीके से किए जा सकते हैं। एक तो हमने ब्लड में ही डीएनए निकाल लिया, जो आपकी डब्ल्यूबीसीज होती हैं, सफ़ेद जो कोशिकाएं चल रही होती हैं ब्लड में, जो कि इम्यूनिटी सेल्स होती हैं, उसी में से हमने जीन आइसोलेट करके स्टडी कर लिए। और दूसरा, कई बार हम कैंसर सेल्स में भी स्टडी कर सकते हैं। तो यह पता करके हमने ये तो पता कर लिया कि हाँ, अगर कुछ एबनॉर्मैलिटी है जिसकी वजह से हमें ये पता है कि बॉडी में जो डीएनए रिपेयर का पाथवे है वह ठीक काम नहीं कर रहा, तो ऐसे लोगों में हम पार्प इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके इस टेस्ट के बाद हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, इन दवाइयों से मरीज को फायदा हो सकता है। ये टैबलेट फॉर्म्स में आती हैं दवाइयाँ, इसमें इंजेक्शन्स नहीं होते। अच्छा, अभी डेटा जो है वो कुछ कैंसर्स में आया है, क्योंकि ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ तरह के अनुवांशिक कैंसर जो हैं, जैसे कि ओवेरियन कैंसर, ओवरीज का जो कैंसर होता है महिलाओं में, फिर ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं और पुरुषों दोनों में हो सकता है, और अगर पुरुषों में भी अगर ये अनुवांशिक होता है, ब्रका या एचआरआर की एबनॉर्मैलिटी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी ओलापेरिब दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कहाँ, प्रोस्टेट कैंसर, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर जो होता है उसमें भी कुछ लोगों में 5-10% के आसपास, और कुछ तो अब स्टडीज कह रही हैं कि 10-20% के आसपास ऐसे लोगों में ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो ब्रका वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या एचआरआर पाथवे की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें कि हम ये दवाइयाँ दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा पैनक्रियास के कैंसर में भी, तो और भी कुछ और कैंसर्स भी हैं तो जिसमें हम ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरी कैंसर में सबसे ज़्यादा डेटा है, सबसे ज़्यादा जो रिसर्च है वो ओवरी के कैंसर्स में है। तो जनरली हम ओवेरियन कैंसर्स में हम पेशेंट्स को कीमोथेरेपी देते हैं, फिर सर्जरी करते हैं, फिर वापस कुछ कीमोथेरेपी चलती है, और उसके बाद अगर हमें लगता है कि इन दवाइयों से मरीज को फायदा हो सकता है तो पेशेंट को ये दवाई दी जाती है, 2-3 साल तक दी जाती है, ताकि जो कैंसर वापस आने का जो रिस्क है वह डिले होता जाए और कैंसर वापस आने की संभावना को भी हम कम कर सके। तो इन दवाइयों की वजह से जो है मरीज की जो कैंसर वापस आने का जो रेट है होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो कैंसर्स की सेल्स हैं उनको खत्म करने में ये दवाइयां मदद करती हैं। इन दवाइयों के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक तो अगर आप गोलियां ले रहे हैं तो उससे कुछ नौजिया हो सकता है, उल्टी का सेंसेशन हो सकता है, उल्टी हो सकती है, पेट में जलन हो सकती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कभी कभी आपके खून में भी कमी लाती है और कभी कभी दवाइयों से थकान होती है। लेकिन हाँ, यह टैबलेट्स के फॉर्म में आप घर पे बैठ के दवाई ले सकते हैं। समय समय पे आप डॉक्टर आपको जांच के लिए बुलाएंगे, आपके ब्लड टेस्ट करेंगे और ये देखेंगे कहीं कैंसर जो है वो वापस तो नहीं आ रहा। तो पार्प इनहिबिटर्स तो ये हुए, और ये एक बहुत ही नया तरह का टॉपिक है, और मेरे ख्याल से इस वीडियो से आपको इसके बारे में समझने में काफ़ी मदद मिल गई होगी। थैंक यू।